सब्सक्राइब करें सोनिस किचन चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिस किचन। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है अरबी मसाला फ्राई। फ्रेंड्स, आप अगर कुछ अलग सी सब्जी ट्राई करना चाहते हैं तो ये अरबी को ज़रूर बनाइए। ये खाने में टेस्टी है और हेल्दी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, अरबी मसाला फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम अरबी को थोड़ी सी नमक डाल करके बॉईल कर लिया है। ये बॉइल्ड अरबी है। मसाला में मैंने यहाँ पे एक छोटी चम्मच राई, एक छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर, दो छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, दो छोटी चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, एक छोटी चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट लिया है, दो हरी मिर्च काट कर ले लिया है और थोड़ी सी हरा धनिया लिया है। अगर ज़्यादा तीखा नहीं खाते तो हरी मिर्च काट कर ना डालें। एक अनियन को काट के ले लिया है और नमक स्वाद के अनुसार ले लेंगे। पहले हम ये अरबी का छिलका निकाल लेते हैं। बहुत आसान से इसका छिलका निकल जाती है, देखिए इस तरह से। ये सारे अरबी का हम छिलका निकाल लेते हैं। पहले देखिए, मैंने ये अरबी का छिलका निकाल लिया है। अब हम इसे इस तरह से काटेंगे। आप इसे दो हिस्सों में कर सकते हैं या फिर तीन भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से स्लाइसेस में लंबा लंबा ही, या फिर आप गोल गोल काट सकते हैं। ये सारे अरबी को पहले हम काट लेते हैं। देखिए मैंने ये अरबी को काट लिया है। अब हम मैंने यहाँ पे ये कढ़ाई में दो चम्मच तेल डाल लिया है। इसमें राई और जीरा डाल देते हैं। तेल हमारे गरम है इसलिए तुरंत राई और जीरा चट करने लगी। अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च पेस्ट डाल देंगे। हरी मिर्च भी डाल देते हैं, अनियन डाल देंगे और इसे हम भून लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इसे थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर डाल देते हैं। आमचूर पाउडर और गरम मसाला बाद में डालेंगे। इसे मिला लें। और अब हम इसमें अरबी डाल देते हैं। इसमें हम गरम मसाला पाउडर और आमचूर पाउडर भी डाल देंगे। सॉल्ट डाल देते हैं टेस्ट के अनुसार। और ये सब डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। बहुत ही आराम से मिलाएं, अरबी टूट ना जाए। और इसे मिलाने के बाद हम इसे खुला ढक्कन ही थोड़ी देर के लिए इसी तरह पकाएंगे। दो से तीन मिनट इसे मैंने पका लिया है। अब हम इसे पलटते हैं किनारों पे, इस तरह से अच्छी तरह से इसे फैला लें ताकि अरबी जो है हमारा थोड़ी सी रोस्ट हो जाए, अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। दो से तीन बार हम इसी तरह से पलटते हुए फ्राई कर लिया है। देखिए अब हम इसमें हरा धनिया डाल करके मिला लेते हैं। हमारे अरबी जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है, मसाला अच्छी तरह से उसमें लग गया है, कोटिंग हो गई है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकालते हैं फ्लेम को ऑफ करके। और देखिए मैंने इसे सर्व कर लिया है। फ्रेंड्स, इसे आप रोटी परोठे के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर चावल के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।